नोटबंदी, जीएसटी, ये हथियार है भाई और बहनों, ये पूंजीपति के हथियार है। नरेंद्र मोदी जी इंप्लीमेंटर हैं, वो उनका काम करते हैं। और आप देख लेना, जब तक दिल्ली से उसको आप नष्ट करते हो, बिना झिझके बिना घबराए काम कर सकती है। जब देश की आवाज देश में चारों तरफ आसानी से बिना डरे बोल सकती है, तब देश मजबूत होता है। भाई और बहनों, बांग्लादेश लड़ाई के समय देश मजबूत था, हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत थे, आज वो हालत नहीं है। हमारी मीडिया वाले कुछ भी कह लें, राफाल हवाई जहाज की जितनी भी फोटो दिखा दें, भाई और बहनों हवाई जहाजों से, और फिर वही राफेल जैसा शब्द दोबारा सुनाई दे रहा है। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए, रिश्ता आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। और आप बोल रहे हो, देखो देखो, मैं आपको बताता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर देखिए देखिए देखिए, आपने इंदिरा जी का नाम लिया, आज फंक्शन हुआ है, आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है, इनविटेशन में नाम तक नहीं है। क्योंकि सच्चाई से भाई और बहनों, सरकार डरती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम हो या ना हो,